सब्सक्राइब करें जी टेस्टी फूड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी सेठी इजी टेस्टी फूड चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। जब भी छोटी छोटी भूख लगे या बड़ी बड़ी भूख लगे, चाय के साथ खाएं, सुबह के नाश्ते में खाएं या शाम के नाश्ते में खाएं, फटाफट से तैयार करें। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिली क्रिस्पी ब्रेड पोहा। इस तरीके से चिली क्रिस्पी ब्रेड पोहा बनाइए, खाइए और मुझे बताइए कि पोहा आपको कैसा लगा। अगर बनाते समय आपको कुछ भी कंफ्यूजन लगे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं चिली क्रिस्पी ब्रेड पोहा। क्रिस्पी एंड चिली पोहा बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ब्रेड। मैं ब्राउन ब्रेड ले रही हूँ या चार, आप व्हाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। चार मैंने ब्राउन ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं। थोड़ा सा आधा गिलास मैंने पानी ले लिया है, जितना लगेगा हम ले लेंगे। एक चम्मच मैं ग्रीन चिली सॉस लूंगी, एक चम्मच मैं सोया सॉस लूंगी, एक चम्मच मैं शेजवान चटनी लूंगी, एक चम्मच मैं व्हाइट विनेगर लूंगी, दो चम्मच मैं कॉर्नफ्लोर लूंगी। एक मैंने बड़ी शिमला मिर्च धोकर अच्छे से बीज निकाल कर काट ली है। दो मैं टोमेटो केचप के पाउच ले रही हूँ। एक बड़ा प्याज मैंने अच्छी तरह से धोकर बारीक काट लिया है। एक टमाटर मैंने बड़ा काट लिया है। लहसुन की मैंने 8-10 कलियाँ बारीक काट ली हैं। एक मैंने हरी मिर्च काट ली है। और मसालों में मैं सिर्फ दो ही मसाले ले रही हूँ, नमक और काली मिर्च, और मैं रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ, हरा धनिया ले रही हूँ। गार्निशिंग के लिए मैं हरे धनिया के साथ एक चम्मच व्हाइट तिल भी ले रही हूँ। इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और गार्निशिंग के लिए भी अच्छा लगता है। सबसे पहले एक फ्राई पैन या तवा गैस पर रख देंगे, गैस ऑन कर लेंगे और थोड़ा सा तवे को चिकना कर देंगे। रिफाइंड ऑयल नहीं डालना है ज़्यादा, बस तवे को चिकना करना है उतना ही लगाना है। तवे को पूरा चिकना कर दें हर साइड से, और जैसे ही ये गर्म होगा हम इस पर ब्रेड के स्लाइस क्रिस्पी करेंगे। अब हम ब्रेड के स्लाइस को नाइफ से या सीजर से इस तरीके से साइडें नहीं उतारनी है। अगर आप साइडें नहीं खाते हैं तो उतार भी सकते हैं, बड़े छोटे या किसी भी शेप में आपको जैसे भी पीस चाहिए ब्रेड के काट सकते हैं। मैं इस तरीके से काट रही हूँ, एक ब्रेड के नौ नौ पीस काट रही हूँ। मैं सभी ब्रेडों को काट लूँगी। हमने सभी ब्रेडों को काट लिया है। अब हम पैन की तरफ जाएंगे। पैन हमारा गर्म हो चुका है, गैस को कम कर देंगे और इन सभी को रोस्ट होने के लिए रख देंगे पैन में। जितने आएंगे हम उतने रख लेंगे और गैस को तेज नहीं करेंगे, तेज पे हमारी ब्रेड जल जाएगी। हमें क्रिस्पी करारी करनी है मंदी आंच पर। जितने हमारे पैन में आएंगे उतने ही हम डाल देंगे। हमने सभी ब्रेड के स्लाइस डाल दिए हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल इनके ऊपर छिड़क देंगे इस तरीके से, और जैसे ही ये क्रिस्पी होने लगेंगी हम देखते रहेंगे और इन्हें पलट देंगे दूसरी साइड। जब तक ये क्रिस्पी हो रही हैं हम दूसरी साइड कढ़ाई रख देंगे एक, और हम इसमें दो बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। हमें इसमें कोई जीरा राई नहीं डालना है, सिर्फ लहसुन और हरी मिर्च डाल देंगे। जैसे ही लहसुन चटकने लगेगा या खुशबू आने लगेगी लहसुन की, तभी हम प्याज डालेंगे। लहसुन की गैस को भी कम कर देंगे, हमने ब्रेड की गैस भी कम करी हुई है। लहसुन की अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम प्याज डाल देंगे और मंदी आंच पर इन्हें सॉटी होते रहने देंगे और हम अपनी ब्रेड को पलट देंगे। देखिए ये कितनी क्रिस्पी हो गई है, और गैस को मैंने ना ही मीडियम करा है ना ही तेज करा है। एक बार भी सभी ब्रेड को पलट देंगे। हमारे ओनियन अच्छे से भून चुके हैं। अब हम टमाटर डालेंगे और 8 मिनट तक मंदी आँच ही है अभी हमारे, हमने आँच तेज नहीं की है, और इसको ऐसे ही 1 मिनट तक टमाटर को भूनेंगे। गैस को तेज नहीं करना है। अगर आप खड़े खड़े कर रहे हैं तो मीडियम कर सकते हैं, और मैं अभी मंदी आँच रख रही हूँ क्योंकि एक साइड हमारे ब्रेड भी क्रिस्पी हो रहे हैं। अब सभी ब्रेड को पलट के गैस बंद कर देंगे। हमारा फ्राई पैन इतना गर्म है अब ये अपने आप ही कटता जाएगा, गरम फ्राई पैन में ये खुद ही हो जाएंगे। सभी को पलट देंगे। 1 मिनट तक प्याज के साथ हमारे टमाटर भी हो चुके हैं। अब हम शिमला मिर्च डाल देंगे। शिमला मिर्च को अच्छे से मिक्स करेंगे, शिमला मिर्च कच्ची कच्ची ही अच्छी लगती है। और अब हम इधर ही एक चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देंगे।
और 4 चम्मच के करीब मैंने इसमें पानी डाला है। थोड़ा सा और डालूंगी और अच्छे से इसको घोल लूंगी। और हम इसे अच्छे से मिक्स होने देंगे और अब हम इसमें अपनी सभी सॉसेस डाल देंगे। गैस अभी हमारी कम ही है। 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच व्हाइट विनेगर, 1 चम्मच शेजवान सॉस, 1 चम्मच चिली सॉस ग्रीन वाली और 2 टमाटो केचप के पाउच। गैस अभी हमें कम ही रखनी है। जिस कटोरी में हमने कॉर्नफ्लोर घोला था उसमें 2 चम्मच पानी और डालेंगे और अच्छे से इसी सॉसेज वाले चम्मच से अपनी पूरी कटोरी को क्लीन करते हुए इसमें डाल देंगे। अब हम गैस को मीडियम करते हुए एक सॉस तैयार कर लेंगे खड़े खड़े ही। देखिए 2 मिनट हमें सॉस डाले हुए हो गए हैं। मंदी आंच पर मीडियम करी थी हमने थोड़ी देर, फिर मंदी कर दी थी। और सभी सॉसेज में नमक होता है इसलिए नमक बहुत ही कम डालना है। मैं छोटे वाला 1/2 चम्मच डाल रही हूँ, फिर हम टेस्ट कर अगर कम रहेगा तो डालेंगे, वैसे कम नहीं होगा क्योंकि सभी सॉसेज में नमक होता है। और 1/2 ही चम्मच मैं काली मिर्च डाल रही हूँ छोटे वाला। बस ये 2 मसाले हमें इसमें डालने हैं और अच्छे से मिक्स कर देंगे। 1 से 2 चम्मच पानी डालेंगे, अपनी ग्रेवी को थोड़ा सा पकाएंगे 1 से 1.5 मिनट तक। हमारी सॉस तैयार हो चुकी है, गैस बंद कर देंगे। अगर हमें ब्रेड अभी डालेंगे तो ज़्यादा क्रिस्पी करारे नहीं रहेंगे। 2 मिनट तक हम इसे धुएं को थोड़ा सा हटने देते हैं, ठंडा सा होने देते हैं अपनी ग्रेवी को, तब हम ब्रेड डालेंगे। गैस हमारी बंद थी, हमने 1 से 2 मिनट तक अपनी ग्रेवी को ठंडा होने रखा था ताकि हमारे ब्रेड क्रिस्पी रहें। अब क्रिस्पी ब्रेडों को हम, ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं ये। अब ये हमारी ग्रेवी भी थोड़ी ठंडी हो चुकी है तो ये इन्हें अब मुलायम नहीं करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक और कड़छी लेंगे, इस तरीके से वो मिला लेंगे। और ये देखिए ये कितने क्रिस्पी हैं, सभी को मिला लेंगे। देखिए कितने झटपट से ही हमारा क्रिस्पी एंड चिली ब्रेड पोहा तैयार है। इस तरीके से बनाइए, खाइए और मुझे बताइए यह क्रिस्पी चिली ब्रेड पोहा आपको कैसा लगा। अब आप इस पे हरा धनिए से गार्निशिंग करें, हरा प्याज डालें या फिर व्हाइट तिल डालें, इस तरीके से इसे गार्निशिंग करें और सर्व करें। अब हम इसे सर्व करेंगे। हमारे क्रिस्पी एंड चिली ब्रेड पोहा तैयार है। इस तरीके से बनाइए, खाइए और मुझे बताइए यह ब्रेड का पोहा आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी पेज है, आप चाहें तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इन तीनों के पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। थैंक यू।